दुनिया के लगभग सभी जानवरों और जीवों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारी दुनिया का 70% हिस्सा तो पानी में डूबा हुआ है। जी हाँ, वही समुद्र जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे जब भी हम समुद्र के जीवों के बारे में बातें करते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में व्हेल, शार्क और मगरमच्छ जैसे जीवों की ही तस्वीरें घूमती है ना। इसीलिए आज हम इस वीडियो में ऐसे समुद्री जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें देखने के लिए सच में नसीब चाहिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रेयर सी क्रिएचर एपिसोड को। नंबर 15, हम्प हेड पैरट फिश। शो की शुरुआत करते हैं हम्प हेड पैरट फिश से। ये फिश वैसे तो बिल्कुल नोबिता की तरह ही मासूम है, लेकिन इसका शक्ल सुनियों की तरह ही शैतान है। जब आप इस मछली को देखते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इसके दांतों पर, जिनको देखकर लगता है कि इसको डेंटिस्ट की सख्त जरूरत है भैया। वैसे हम्प हेड पैरट फिश के ये दांत इतने मजबूत है कि अगर ये मछली किसी छोटे मोटे पत्थर से टकरा जाए तो इनके दांत तो नहीं टूटेंगे, लेकिन दांतों से पत्थर जरूर टूट जाएगा। इनका फेस सामने से एक पैरट की तरह दिखता है जिसमें पिंक स्ट्राइप्स बने होते हैं, और इसीलिए इन्हें पैरट फिश भी कहते हैं। वैसे ये बहुत ही सीधी मछलियाँ होती है जो कोरल और एल्गी खाती है। नंबर 14, जेलीफिश बायोल्यूमिनेसेंस। अरे नहीं, जो आप सोच रहे हैं गलत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इस जेलीफिश में क्या इंसानों ने इस तरह की लाइट लगाई है, या फिर ये किसी तरह की कोई एडिटिंग है। इस जेलीफिश में ना तो हमने कोई एडिटिंग की है और ना ही इंसानों ने इस लाइट को लगाया है। ये यूनिक दिखने वाली जेलीफिश कुदरती तौर पर ऐसी ही है। इस तरह की लाइट इनके अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन की वजह से जलती है। समुद्र के गहरे पानी में जब रंग बिरंगी लाइट देखने के लिए मिलती है तो ये वाकई में बेहद खूबसूरत लगती है। क्या आपको आज से पहले इस तरह की किसी जेलीफिश के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 13, रिबन ईल। अब जरा इस लहराती इठलाती रंग बिरंगी मछली को तो देखिए। हाँ जी, सच्ची ये मछली ही है। ये अलग बात है कि इसका चलना फिरना और बॉडी स्ट्रक्चर मछलियों से कम और सांपों से ज्यादा मिलता है। अब यही तो खासियत है हमारे इस स्पेशल रेयर सी क्रिएचर्स एपिसोड की। ये मछली बिल्कुल रिबन की तरह दिखती है, जिसकी वजह से इसका नाम रिबन ईल पड़ा है। वैसे इस मछली की मुंह हमेशा फावड़े की तरह खुली रहती है, जिससे कि वो वाटर गिल्स तक भेज के सांस लेती रहे। और मजे की बात तो ये है कि लोग कई बार इसके मुंह को ही इसकी पूंछ समझ बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको एकदम से चौंका देगी वो ये है कि रिबन ईल अपनी लाइफ में कभी भी जब भी चाहे अपना सेक्स बदल सकती है। वैसे ये ईल्स इंसानों के लिए खतरा नहीं है और बहुत ही शाय नेचर के होते हैं, जो यूजुअली छुपके रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 12, कैरावेला पोर्तुगीज़ा। ये अब जिस समुद्री जीव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे देखकर एक बार के लिए तो आंखें चौड़ी हो जाती है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एक कॉन्डम की तरह दिखता है। जी हाँ, अमूमन 6 इंच तक का फूला हुआ ट्रांसपेरेंट पिंक और पर्पल कलर सैक इन्हें फ्लोट करने में मदद करते हैं, जिनसे इनके टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं जो इन्हें शिकार करने में मदद करते हैं। वैसे इनके टेंटिकल्स तो छोटी छोटी मछलियों और श्रिम्प्स के शिकार करने के लिए बने होते हैं, लेकिन अगर ये इंसानों को डंक मार दे तो इससे हमें भी काफी दर्द हो सकता है। चलते चलते आपको ये बता दे कि कैरावेला पोर्तुगीज़ा को लोग यूजुअली पोर्तुगीज़ा मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, और इसके पीछे का रीजन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये समुद्री जीव 18th सेंचुरी के पोर्चुगीज वॉरशिप से काफी मिलते जुलते दिखते हैं, और जब वहाँ के लोगों ने इस जीव को पहली बार देखा तो उन्होंने इसे पोर्तुगीज़ा मैन ऑफ वॉर का नाम दे दिया। नंबर 11, फ्लाइंग फिश। क्या आपने कभी किसी मछली को उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना, चलिए आज आपको ये भी दिखा देते हैं। असल में ये मछली उड़ती नहीं है बल्कि पानी में लंबी लंबी जंप मारती है। फ्लाइंग फिश अपने फिन्स को पंखों की तरह इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये बाकी समुद्री जीवों से यूनिक होती है। फ्लाइंग फिश की यूनिक एबिलिटी उनके लिए कई बार आफत भी खड़ी कर देती है, क्योंकि जब ये पानी से छलांग लगाती है तो शिकारियों और मछुआरों के लिए इनको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। फ्लाइंग फिश गर्म पानी में रहती है और ज्यादातर ग्रुप्स में देखी जाती है। इनके ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। नंबर 10, क्रिसमस ट्री वॉर्म। हमारे यहाँ भले ही क्रिसमस पूरे साल में बस एक ही बार मनाया जाता है, लेकिन गहरे समुद्र में तो हर दिन क्रिसमस होता है, क्योंकि यहाँ एक या दो टाइप के नहीं बल्कि 13,000 टाइप्स के क्रिसमस ट्री वॉर्म्स रहते हैं, वो भी कई खूबसूरत रंगों में। ये होते तो है वॉर्म्स यानी कि समुद्री कीड़े, लेकिन इनमें ट्रैवल मूवमेंट नहीं होता, यानी कि ये पेड़ की तरह ही एक जगह उगते हैं। लेकिन भाई साहब, होते तो है ये पक्के प्रेडेटर्स जो समुद्र के छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, और इनका खूबसूरत सा दिखने वाला क्रिसमस ट्री लुक एक्चुअली में इनके स्ट्रिंग्स होते हैं जिनमें ये माइक्रोस्कोपिक कीड़ों को फंसाते हैं। अच्छा, इनके वॉर्म और ट्री के मिक्स नेचर को देखकर एक ख्याल तो दिल में आता ही है कि फिर इनमें बच्चे कैसे पैदा होते होंगे, है ना? तो चलिए हम इसका जवाब दिए देते हैं। दरअसल ये मेल और फीमेल वॉर्म्स जहाँ रहते हैं वहीं से पानी में अपने जेनिटल प्रोडक्ट्स को छोड़ते हैं, जो लहरों के साथ टकराते हैं और जहाँ मिलते हैं वहीं पे फर्टिलाइज होकर क्रिसमस ट्री वॉर्म्स की एक नई कॉलोनी बनाते हैं। नंबर 9, एंग्लर फिश। इस मछली को देखकर आप डर सकते हैं, लेकिन इस फिश की बस बनावट ही खतरनाक है। ये तो बहुत ही सीधी और छुप के रहने वाली फिश होती है। इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि इसका नाम एंग्लर फिश नहीं बल्कि एंग्री फिश होना चाहिए था। वैसे ये फिश अटलांटिक ओशन की गहराइयों में पाई जाती है। इनके बारे में सबसे खास बात होती है इनके सर पर किसी टेबल लैम्प की तरह बनी हुई पत्ती, जिसका इस्तेमाल ये फिश अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ फीमेल एंग्लर फिश ही शिकार करती है और मेल एंग्लर फिश सिर्फ सेक्स करने के लिए पैदा होते हैं।
है। जैसे ही ये किसी फीमेल एंग्लर को देखते हैं, तब उसके बॉडी में खुद को डिफ्यूज करने लगते हैं और पैरासाइट की तरह जिंदगी भर फीमेल फिश के बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं, मतलब पूरे आलसी और निकम्मे। नंबर 8, टार्डिग्रेड्स। अब आपको दिखाते हैं वाटर बेयर। क्या हुआ, वाटर बेयर नाम सुनकर आप कहीं चौंक तो नहीं गए ना? पानी में बेयर कहाँ से आ गया? दरअसल टार्डिग्रेड्स को वाटर बेयर कहा जाता है क्योंकि बॉडी शेप में ये बिल्कुल एक बहुत ही छोटे भालू के जैसे दिखते हैं। साइज में तो टार्डिग्रेड्स सिर्फ 1.5 मिलीमीटर के होते हैं, मतलब हाथ के नाखून के बराबर। अगर इनकी छोटी सी बॉडी को ध्यान से देखा जाए तो ये काफी रिंकल्ड होती है, जिसमें 4 के पैर में 8 पैर होते हैं। भले ही टार्डिग्रेड साइज में छोटे हो, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी सिचुएशन में जिंदा रह सकते हैं, फिर चाहे इनको कितना भी गर्म या ठंडे पानी में ही क्यों ना छोड़ दिया जाए। नंबर 7, जॉइंट जापानी स्पाइडर क्रैब। समुद्र हो और क्रैब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस क्रैब को देखकर आपको ये लगने वाला है कि ये क्रैब है या स्पाइडरमैन की माँ। तो हम आपको बता दें कि ये क्रैब ही है, और मकड़ी जैसे दिखने की वजह से इन्हें जॉइंट जापानी स्पाइडर क्रैब कहा जाता है। इनके पैर करीब 12 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन करीब 19 किलो तक होता है। जॉइंट जापानी स्पाइडर क्रैब के इसी लंबे शरीर की वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े क्रैब के तौर पर जाने जाते हैं। ये हर 6 हफ्तों में अपनी स्किन बदलते हैं और नई स्किन के साथ शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कभी ये समुद्र में दिख जाए तो इनसे दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये अकेले नहीं ग्रुप में रहते हैं और आप पर हमला कर सकते हैं। नंबर 6, फ्लावर अर्चिन। दोस्तों, अगर कभी भी आपको समुद्र के नीचे फूलों के गुलदस्ते जैसा कुछ दिखाई दे तो उसको हाथ बिल्कुल मत लगाना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिखने में तो फ्लावर अर्चिन काफी सुंदर लगता है, लेकिन इसको हाथ लगाना खतरनाक और दर्द भरा हो सकता है। बाहर के फूल तो बस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फ्लावर अर्चिन की खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर जब भी मछलियां इनके पास आती है तो ये अपने स्टिंग से उन्हें पैरालाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार फ्लावर अर्चिन के अंदर मरी हुई मछलियां देखने को मिलती है। तो अगर आपको फ्लावर अर्चिन कहीं दिख जाए तो उसकी खूबसूरती का लुत्फ जरूर उठाना, लेकिन दूर से। नंबर 5, जॉइंट न्यूडीब्रांच। पहली नजर में देखने पर ये आपको किसी समुद्री पेड़ की तरह लग सकता है, लेकिन असल में ये समुद्री जीव है जो नदन अलास्का से नदन मेक्सिको तक पाए जाते हैं। ये अजीब से दिखने वाले जीव समुद्र में करीब 200 मीटर नीचे पाया जाता है। ये आपको रेड, व्हाइट, ग्रे और ऑरेंज रंगों में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर बात करें जॉइंट न्यूडीब्रांच के साइज की तो ये 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। जिन लोगों को रंग बिरंगे समुद्री जीव घर में रखने का शौक है, वो इनको पाल भी सकते हैं। जॉइंट न्यूडीब्रांच बड़े ही आराम से आपके घर के एक्वेरियम में रह सकते हैं। इनको देखकर एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि इस कमाल के क्रिएचर के साथ जॉइंट शब्द क्यों जुड़ा है। नंबर 4, वैम्पायर स्क्विड। मिलिए समुद्र में रहने वाले वैम्पायर से, जिसका नाम वैम्पायर स्क्विड है। इनको देखकर आप डर सकते हैं, इसीलिए आपको पहले ही बता दे कि इनका सिर्फ नाम वैम्पायर है। ये ना तो खून पीते हैं और ना ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑक्टोपस की तरह इनकी भी 8 टांगे होती है जो एक दूसरे से स्किन के थ्रू जुड़ी रहती है। अपने पैरों की मदद से ये अपना शिकार करते हैं। वैम्पायर स्क्विड की आंखें करीब 1 इंच की होती है, जो इनकी बॉडी में सबसे ज्यादा डराने का काम करती है। वैम्पायर स्क्विड के अंदर रोशनी पैदा करने वाले पार्ट्स होते हैं जो शिकार को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ये इस तरह की रोशनी कई मिनट तक पैदा कर सकता है। नंबर 3, सी एंजल। जैसा नाम वैसा लुक। सच में यार, ये सी क्रिएचर्स दुनिया के सबसे खूबसूरत एंजल से कम नहीं दिखते। वैसे तो ये साइज में 1-2 इंच से ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इनकी ट्रांसपेरेंट ब्लूइश और सैफ्रन कलर की बॉडी आपको सच में जन्नत को देखने जैसा सुख देगी। तो आप इन्हें देखते रहिए और नयन सुख एंजॉय कीजिए। सी एंजल हमेशा ग्रुप्स में ही चलती है और जब भी जिस जगह से गुजरती है वहाँ खूबसूरत समा बांध देती है, और जब ये नजारा आंखों के सामने होता है तो उससे नजर हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। वैसे इनकी जिंदगी बस 2 सालों तक की ही होती है। अरे हाँ, इनकी खूबसूरती के चक्कर में आपको मैं ये बताना तो भूल ही गया कि ये परिया दरअसल समुद्री घोड़े होते हैं। नंबर 2, डम्बो ऑक्टोपस। अगर डम्बो ऑक्टोपस को सबसे क्यूट ऑक्टोपस कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। इसके सिर पर कान जैसे पंख होते हैं जो डम्बो द एलिफेंट की तरह लगते हैं। डम्बो ऑक्टोपस के पैर बाकी ऑक्टोपस की तरह नहीं होते, बल्कि किसी छतरी की तरह होते हैं जो उसकी क्यूटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। डम्बो ऑक्टोपस समुद्र में करीब 13,000 फीट की गहराई में पाया जाता है। इस ऑक्टोपस को देखकर बाकी ऑक्टोपस की तरह डर तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन हम इनको शिकार करने में कम नहीं आंक सकते। डम्बो ऑक्टोपस शिकार करने में इतने परफेक्ट होते हैं कि एक बार में ही पूरे शिकार को चट कर जाते हैं। नंबर 1, रेड लिप बैटफिश। सबसे आखिर में बात करते हैं लिपस्टिक लगाए हुए मछली की, जिसका नाम रेड लिप बैटफिश है। लाल होठों वाली ये मछली गैलापागोस आइलैंड के पास पाई जाती है। रेड लिप बैटफिश की स्किन का रंग लाइट ब्राउनिश और ग्रेश होता है, जो समुद्र की सतह से ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है। ये तो सतह पर आसानी से छिप सकती है, लेकिन इनके लाल होठ ऐसा होने नहीं देते। रेड लिप बैटफिश गहरे समुद्र में रहने के बाद भी अच्छी तैराक नहीं होती, जिसकी वजह से ये तैरने से ज्यादा चलना प्रेफर करती है। अगर कभी आपको रेड लिप बैटफिश दिख जाए तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वादे के मुताबिक हमने दिखाया ना आपको वो समुद्री जीव जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इनमें से कुछ खूबसूरत थे और कुछ अपनी खूबसूरती के पीछे थोड़ा जहर भी छिपाए हुए थे। वो कहते हैं ना, ब्यूटी इज अ थिंग टू फील विद हार्ट नॉट टू टच।
तो बस इन्हें आप भी निहारिए और उन्हें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।